ये इलेक्शन का समय नहीं है, ये भारत के पुनर्जागरण का समय है। दिक्कत तो सबसे पहले भारत की भारतीयता की है। योगी जी ने पिछले कुछ ही 4 साल में इतना कार्य कर दिया है जो संभवतः 40 साल में भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पहले उल्टा प्रदेश कहलाता था, अब उल्टा नहीं बिल्कुल सीधा दौड़ा जा रहा है। और योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। अखिलेश ने अपना राज देखा है, वो जंगल राज था, आज के राज में उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा ना, उसके तो सांस भी नहीं ली जा रही होगी ना इस राज में। ये जो घाट बनाया जो अंग्रेजों को दे दिया, ये ब्राह्मण वृंदावन के नहीं थे क्या? क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप कुमार गुप्ता हूँ। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे कुंभ का जो दर्शन किया योगी जी यहाँ पर आए आज शुभारंभ कर रहे हैं? दिव्य दर्शन था। जिस प्रकार से यमुना की आज आरती हुई है वो मैंने तो जीवन में कभी देखी नहीं है, 65 वर्ष की मेरी आयु है। और एक जो यहाँ पर खुशी का माहौल था, जनता का पार्टिसिपेशन था, वो अलग ही स्वतंत्र भारत की एक छवि को परिलक्षित कर रहा था। ऐसा दिव्य दर्शन एक बड़ा दुर्लभ है किसी के भी जीवन में प्राप्त करना। सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी है सहारनपुर में रैली करके 2022 के चुनाव का बिगुल फूंक रही हैं। योगी जी यहां पर आकर के यमुना की आरती करते हैं और यहां पर करोड़ों की जो योजना है उसका शुभारंभ करते हैं। कैसे देख रहे हैं 2022 का इलेक्शन? ये इलेक्शन का समय नहीं है, ये भारत के पुनर्जागरण का समय है। भारत की जो आत्मा है वो, भारत की आत्मा जो है वो इन्हीं श्रद्धा में विश्वास में टिकी हुई है। अगर भारत की जनता का श्रद्धा और विश्वास मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ में है, तो फिर वो सब कुछ आंदोलन ये सब तो चलते रहेंगे। जनता की आवाज़ है जिस तरह की भी है वो चलती रहेगी। राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कुछ भी करता रहेगा, लेकिन जनता मूल रूप से अपनी नदियों को स्वच्छ देखना चाहती है, स्वच्छ पानी चाहती है, स्वच्छ हवा चाहती है, सीमाओं की सुरक्षा चाहती है, वही ये लोग कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है कि किसको क्या चीज़ और दिक्कत है? दिक्कत तो सबसे पहले भारत की भारतीयता की है, भारत की स्वाभिमान की है, उसी को पुनर्जागरण का कार्यक्रम है ये। और मैं तो यमुना के किनारे पर आरती को देखकर मंत्रमुग्ध हूँ। अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह आंदोलन हो रहा है, कह रहे हैं योगी जी को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। योगी जी ने पिछले कुछ ही 4 साल में इतना कार्य कर दिया है जो संभवतः 40 साल में भी नहीं हुआ है। मैं यहाँ वृंदावन में आया गोवर्धन से, इतनी सुंदर सड़क गाँव में छटीकरा होते हुए यहाँ पहुँची है जो पहले तो कहीं मुझे कभी मिली नहीं। मैं 10 बार यहाँ पर आ चुका हूँ हमने वृंदावन, और यहाँ से जब मैं आया तो एक नेशनल हाईवे बने हुए हैं, इतने सुंदर नेशनल हाईवे की गाड़ी रपटती हुई चलती है। तो ये सब भारत का विकास का समय है, किसी दुर्भावना का समय नहीं है। भारत के विकास से, भारत की संस्कृति से ही जुड़ना है, उसी से आगे भारत चलेगा। योगी जी के 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास हो रहा है। भारत का उत्तर प्रदेश पहले उल्टा प्रदेश कहलाता था, अब उल्टा नहीं बिल्कुल सीधा दौड़ा जा रहा है, असली बात यह है। अब जगह जगह योगी जी की भी डिमांड हो गई है कि योगी जी हमारे राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, ऐसा क्या है खूबी योगी जी के अंदर? जो मोदी जी में खूबी थी कि हर कोई चाहता था कि गुजरात का मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बने, इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही मुख्य यशस्वी मुख्यमंत्री हर राज्य को मिले, पूरे भारत में ऐसे ही मुख्यमंत्री हों जो जनता की सुने, जो जनता के भाव को समझें, जो जनता के जो मन में भावनाएं हैं उन्हें सम्मान दे, अपना पूरा समय दे रहे हैं। कोई ये किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं करा जिसमें कि जनभावना आहत हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो नमन है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जंगल राज आ गया, लग रहा है कि जंगल राज है या राम राज्य है? जंगल अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से पेड़ कट गए हैं पहले 50-60 सालों में। जंगल राज तो होना चाहिए, हर बस्ती के चारों तरफ जंगल बनने ही चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो हमें पूरा ऑक्सीजन दे सकें। भारत का पुनर्जीवन और जंगल राज या वृक्षों का पुनर्जीवन एक ही बात है, वृक्ष तो बनने ही चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि इतने इनकाउंटर हो रहे हैं, जगह जगह इस तरह की हत्याएं हो जाती हैं, तो कहते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज की केवल परिकल्पना है, उनकी कल्पना है, कुछ कहना चाहिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं। हर
कोई नेता करता है ये तो सबका, आप इसमें कोई साधारण बात है, ये इसकी बातें ज़्यादा वो जनता की नज़र में उपयोगिता नहीं है, सुनते टीवी खोलते हैं टीवी बंद कर देते हैं दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई सोचता नहीं। जनता को जब अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा सड़क मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। आपका क्या नाम है? शुभ्रा गुप्ता। कहाँ से आई हैं आप? वृंदावन मुजफ्फरनगर से। कैसे देखती हैं योगी जी का जो आज आप हाथ में भी लेके घूम रही हैं और यहाँ पे पूरा एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा लगा, और योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। योगी जी ही आगे चल के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और आगे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कैसे कुछ पार्टियां हैं विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि 2022 में उखाड़ के फेंक देंगे योगी जी की गद्दी। नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि कोई उन्हें उखाड़ के फेंक ही नहीं सकता। अखिलेश कहते हैं जंगल राज लेकर के आ गए ये। अखिलेश ने अपना राज देखा है, वो जंगल राज था, आज के राज में उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा ना, उसके तो सांस भी नहीं ली जा रही होगी ना इस राज में। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली छोड़ करके यूपी में ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा माहौल देख करके दिखाई देता है कि केजरीवाल कहीं टिक पाएंगे? केजरीवाल तो अभी कहीं टिके हुए नहीं है, किस्मत का खा रहे हैं बस, किस्मत से वो मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके, बाकी आगे कोई स्कोप नहीं है। भाई सर मोहित शर्मा। कहाँ से आए हो? सर वृंदावन से। क्या कहना चाहोगे योगी जी, आज पूरा वृंदावन को भव्य कर दिया। जी सर मैं कहना यही चाहूंगा योगी सरकार ने अच्छा कार्य किया, और सर आप देख रहे हो ब्रजमंडल में इतना विकास करना, सर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सर योगी सरकार आई सर कितना विकास हुआ, कितना बजट अभी दिया है इन्होंने, सर अच्छा कार्य किया सर कुंभ के लिए, पहले कभी इतना बैठक नहीं हुई वृंदावन कुंभ की जितनी अभी कुंभ में। अब की बार 2022 में योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर, योगी सरकार बीजेपी सरकार अच्छी है सर, वो ही आनी है अब की बार। प्रियंका गांधी वहाँ से किसानों का समर्थन कर रही है और किसान आंदोलन वाले कह रहे हैं 2022 में योगी जी की गद्दी गई। सर जी लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ भी नहीं होगा। वोट बन गया? बिल्कुल। अच्छा बाबा जी हलवा चल रहा है, प्रसाद खाने के बाद किसको आशीर्वाद दे रहे हो? आशीर्वाद ये दे रहे हैं मोदी जी की भावना अच्छी बनी रहे। ये जो घाट बनाया ये अंग्रेजों को दे दिया, ये ब्राह्मण वृंदावन के नहीं थे क्या? वृंदावन के ब्राह्मणों की सेवा है, वो आदिवासी है, 550 साल का पुराना उनके पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, उन्हीं के सामने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया है, उन्हीं के सामने पगला बाबा बनाया है, उन्हीं के सामने किसको? श्रीपाद बाबा आए थे यहाँ पर। हाँ। वो आके हम ब्रजवासियों की सेवा किए थे। कौन? श्रीपाद बाबा, इनके गुरुदेव। अब गुरुदेव इसलिए आए थे हम यहाँ वृंदावन में आके सेवा करेंगे। हाँ। सेवा का मतलब ये योगी जी आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहे हैं? योगी जी मुख्यमंत्री बनने अच्छे काम करेंगे, आएंगे अब तो हमको विश्वास नहीं है आ जाएंगे। यो इनके वातावरण ऐसा, आपको अच्छा काम नहीं लग रहा है ये कुंभ? ये काम कुंभ का अच्छा है, कुंभ पहले भी होता था, इससे मोदी से बढ़िया होता था कुंभ पहले, इससे भी पहले सब व्यवस्था होती थी। कब देखा इतना बड़ा कुंभ? हम आज 5वां कुंभ देख रहे हैं वृंदावन में, बुड्ढे हो गए। हाँ। हमारे साथ जवान इतना बड़ा, इतना बड़ा कुंभ, राष्ट्रपति आए। हाँ। राजेंद्र प्रसाद जी आए यहाँ वृंदावन में। हाँ। पर सूक्ष्म में था। हाँ। इतनी भीड़ नहीं थी उस समय पर, जितनी भीड़ अब बढ़ गई है वृंदावन में, तो आप कहीं ना कहीं भव्य तो हो रहा है कुंभ, जो बाहर के लोग आकर के यहाँ बसेंगे। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर योगी जी आए और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं स्कूल इंटर कॉलेज से आए हुए हैं जो स्क्वाड में थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई? राहुल सिकरवार। कैसा लगा यहाँ पर योगी जी की सुरक्षा में आप रहे और यहाँ पर आपने क्या क्या भूमिका निभाई? हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा काम कर सकते हैं योगी जी के सामने, बच्चों को भी विदाउट गवर्नमेंट जॉब के ये ऐसा अप्लाईमेंट योगी जी से कभी मिल सकते हैं, इन्हें उम्मीद ना, इनके घर वालों को उम्मीद थी कि शायद ये योगी जी से कभी मिलेंगे। आज इन्होंने योगी से मिला, अच्छी तरह से फोकस किया और बच्चों को अपने वो उम्मीद है कि आगे जाके हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। और इस सबसे पहले यहाँ पर आने से पहले श्री बलभद्र इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, बलदेव मथुरा से आए हैं, और यहाँ पे कैंप आने से पहले सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के क्या नाम उनका, श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, उसके बाद में एसपी सिटी और सीओ सिटी जी को, उन्होंने हमें यहाँ पर मेला में जगह। आपने क्या क्या देखा और कैसी कैसी अनुभूति हो रही है? आप छात्र हैं। अनुभूतियों में मैं इनका टीचर हूँ सर, छात्र नहीं हूँ। अच्छा। अभी इनकी अनुभूति की बारे बात की जाए तो अनुभूति ऐसी हो रही है, आज तक रिकॉर्ड में हमने कुंभ का मेला इन बच्चों ने भी नहीं बट हमने भी नहीं किया था। यहाँ पर आके हमें एक ऐसा व्यवहार ऐसा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमें टेंट फ्री सब कुछ फ्री मिला बच्चों को, और यहाँ पर आने के बाद में इतना अच्छा लग रहा है, शायद हमें कभी लगा। सेवा देंगे आप यहाँ? अभी सर ये पूरा
25 मार्च तक सेवा दे रहे बच्चे अभी है। जब तक कुंभ लगेगा तब तक यहाँ पे? जी बिल्कुल सर। क्या जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारी सर हमारी सिक्योरिटी की है, बुजुर्गों को इधर से उधर करने की, गरीब आदमी को जैसे गिर जाते हैं बीमार है उनको लाचार को हॉस्पिटल तक पहुँचाने की है, भीड़ भब्बड़ इकट्ठा होने नहीं देना है, और किसी को जमुना जी में जैसे डूबते हैं या कुछ भी करते हैं उनको बचाने का इनका काम है बच्चों का। क्या नाम है भाई? मेरा रिंकू कुमार है। क्या जिम्मेदारी मिली है तुम्हारे टीचर ने, तुमको क्या जिम्मेदारी दी है? सर मेरा काम इनकी से, मेरा काम है जो जहाँ पे जो आते हैं यात्री आते हैं सर उनको साइड में करना, भीड़भाड़ नहीं होने देना, और सर ऐसी साइड में मतलब बहुत से कार्य सारे काम है सर इस पर। और सर ऐसे होता है जैसे हम नदी में सर, जैसे कोई नदी में गिरता है तो उसको सर तैर के बचाना है। ठीक है सर। आता है तुमको? हाँ यस सर तैरना आता है। कितने बच्चों को तैरना आता है? सब बच्चों को? सब सबको आता है जी सर। क्या ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? यहाँ पर हमें स्पेशली अपने यहाँ पर रमरेड़ती में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तैरने की, 200 मीटर ये तैर सकते हैं अच्छी खासे, और अच्छी खासे तैरा माउंटेन की एवरेस्ट में है ये सब।